हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक विद प्रियंका। तो हमारा आज का टॉपिक है AFIS। आज हम जानेंगे AFIS के बारे में। तो AFIS होता क्या है? AFIS जो है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर जो या फिर जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि AFIS की हेल्प से हम फिंगरप्रिंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ये जो सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है और इसके क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ AFIS। AFIS, द AFIS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो AFIS है वो स्टैंड करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो AFIS है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। In India, AFIS was first installed at the CFPB of the NCRB in 1992. जो इंडिया में जो AFIS फर्स्ट सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ किया गया था, एट द CFPB ऑफ द NCRB, और कब किया गया था, इन 1992 में। CFPB, तो CFPB stands for Central Fingerprint Bureau and NCRB stands for National Crime Record Bureau। तो जो हमारा AFIS है उसको इंडिया में सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था CFPB पर, और कब किया गया था, 1992 में। इट यूजेस इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक टू कैप्चर एनकोड स्टोर एंड मैच फिंगरप्रिंट्स इन बोथ सिंगल डिजिट एज वेल एज 10 डिजिट प्रिंट्स। जो ये AFIS है वो दो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, एक तो इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड एक दूसरी करता है पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक टू कैप्चर एनकोड स्टोर एंड मैच फिंगरप्रिंट्स। जो ये AFIS है वो इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक को यूज़ करता है, और क्या करने के लिए यूज़ करता है, फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर करने के बाद उनको एनकोड करने के लिए, और एनकोड करने के बाद उनको स्टोर करने के लिए, एंड फाइनली मैच करने के लिए, और किसके साथ, सिंगल डिजिट एज वेल एज 10 डिजिट प्रिंट्स के साथ। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एड टू फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स इन देयर डे टू डे वर्क ऑफ अपडेटिंग एंड कैरिंग लार्ज डाटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। जो ये AFIS टेक्नोलॉजी है ये एक्सपर्ट्स की डे टू डे वर्क में बहुत हेल्प करता है, वर्क को अपडेट करने में, और साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट का लार्ज डाटाबेस है उसको कैरी करने में। नेक्स्ट, इन 1999 द FBI इनिशिएटेड फुल ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इन शॉर्ट IAFIS। जो ईयर 1919 था उसमें FBI ने इनिशिएटेड किया फुल ऑपरेशन ऑफ द IAFIS, स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एंड FBI स्टैंड फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट AFIS इन द यूनाइटेड स्टेट। और जो IAFIS है ये क्या है, लार्जेस्ट AFIS है यूनाइटेड स्टेट्स में, विच लिंक्स स्टेट AFIS कंप्यूटर्स विद द FBI डाटाबेस। जो ये लार्जेस्ट AFIS है वो हमारा वो क्या करता है, सॉरी गाइज फॉर इंटरप्शंस, जो IAFIS है, जो लार्जेस्ट AFIS है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि स्टेट AFIS कंप्यूटर्स को FBI डाटाबेस के साथ क्या करता है, लिंक करता है। नेक्स्ट, हाउ AFIS वर्क। तो अब हमने ये जान लिया कि AFIS होता क्या है, तो इसके बाद अब हम ये जानेंगे कि AFIS वर्क कैसे करता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। द हार्ट ऑफ द AFIS टेक्नोलॉजी is the ability of a computer to scan and digitally encode fingerprints so they can be subject to high speed computer processing। जो AFIS टेक्नोलॉजी का हार्ट कहा जाता है वो है इसकी एबिलिटी, इसकी कंप्यूटर की एबिलिटी, जो क्या करता है, फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है एंड उसके बाद उसको क्या करता है, डिजिटली एनकोड करता है फिंगरप्रिंट्स को, ताकि ये हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोसेसिंग का एक हिस्सा बन सकें।
And then the AFIS uses automatic scanning devices that convert the image of a fingerprint into digital minutiae that contain data showing ridges at the point of termination एंड द ब्रांचिंग. जो ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग डिवाइस है वो कन्वर्ट करता है फिंगरप्रिंट इमेज को डिजिटल मनुष्यास में, जो कि डाटा शो करता है रिजिस एट देयर पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन. द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन इज ऑल्सो नोन एज रिज एंडिंग एंड द ब्रांचिंग ऑल्सो नोन एज बाई फर्केशन. द रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मनुष्यास आर ऑल्सो डिटरमाइंड. और जो ये रिलेटिव पोजीशन है और रिलेटिव ओरिएंटेशन है बिटवीन द फाइल प्रिंट्स एंड द क्वेश्चन प्रिंट्स, उनके बीच की रिलेटिव पोजीशन ओरिएंटेशंस को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है. अलाउइंग द कंप्यूटर टू सर्च ईच फिंगरप्रिंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटली रिकॉर्डेड ज्योमेट्रिक पैटर्न, जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को ईच फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ डिजिटली रिकॉर्डेड ज्योमेट्रिक पैटर्न. और किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, डिजिटली रिकॉर्डेड पैटर्न की फॉर्म में. नेक्स्ट चलते हैं. द कंप्यूटर सर्च अल्गोरिदम्स डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द मनुष्यास फॉर बोथ द सर्च एंड द फाइल प्रिंट्स. और जो कंप्यूटर सर्च अल्गोरिदम्स है ये डिटरमाइन करती है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. डिग्री ऑफ कोरिलेशन को डिटरमाइन करती है बिटवीन द लोकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द मनुष्यास. किस किस के बीच में, लोकेशंस और उनकी मनुष्यास के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बीच क्या करती है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंस करती है. और किस किस के लिए करती है, फॉर बोथ द सर्च एंड द फाइल प्रिंट्स. किस किस के बीच में करती है, सर्च प्रिंट्स और द फाइल प्रिंट्स के बीच में. इन दिस मैनर अ कंप्यूटर कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स कंपैरिजन इन अ सेकंड. और इस मैनर में जो कंप्यूटर है वो एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ फिंगरप्रिंट कंपेयर कर देता है. व्हेन द सर्च इज कंप्लीट, और जब ये सर्च कंप्लीट हो जाती है द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस अ लिस्ट ऑफ फाइल प्रिंट्स. जब ये सर्च कंप्लीट हो जाती है तो कंप्यूटर क्या करता है, एक लिस्ट प्रोड्यूस करता है फाइल प्रिंट्स की दैट हैव क्लोजेस्ट रिलेशनशिप टू द सर्च प्रिंट. जिनका और किस किस फाइल प्रिंट्स का ये क्या कहते हैं, लिस्ट प्रोड्यूस करता है, जिन जिनके बीच में क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है सर्च प्रिंट्स के साथ. जब हमारी सर्च कंप्लीट हो जाती है तो जो सर्च प्रिंट्स के साथ जो फाइल प्रिंट्स वाले हमारे क्या कहते हैं प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो हमारे क्लोजली रिलेशनशिप में होते हैं, उनके साथ ये क्या करती है, एक लिस्ट प्रोड्यूस कर देती है. ऑल ऑफ द सेलेक्टेड प्रिंट्स आर देन एग्जामिन्ड बाय अ ट्रेन्ड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट. और जितने भी ये सेलेक्टेड जो फिंगरप्रिंट्स हैं जिनकी ये एक लिस्ट प्रोड्यूस होती है, ये सारे के सारे एग्जामिन किए जाते हैं एक ट्रेन्ड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, हु मेक्स द फाइनल वेरीफिकेशन ऑफ द प्रिंट्स आइडेंटिटी, जो एक फाइनल वेरीफिकेशन देता है अबाउट द प्रिंट्स identity. Thus, the AFIS makes no final decision on the identity of a fingerprint, leaving this function to the eyes of a trained examiner. तो इस type से जो AFIS है वो कोई भी final decision नहीं लेता है अपना किसी भी print को identify करने में. ये जो decision है, जो decision making है, ये एक trained examiners की eye के लिए वो छोड़ देता है. तो समझ में आ गया AFIS वर्क कैसे करता है. सबसे पहले जो AFIS है वो क्या करता है, एक इमेज को फिंगरप्रिंट्स की जो एक इमेज है उसको डिजिटल मनुष्यास में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है. और जो डिजिटल मनुष्यास है उनको किस फॉर्म में करता है, या तो रिजेंडिंग और बाइफर्केशन में. और उसके साथ साथ जो फाइल प्रिंट और सर्च प्रिंट है उनकी रिलेटिव पोजिशन एंड रिलेटिव ओरिएंटेशंस को भी क्या करता है, डिटरमाइन कर देता है. और इस टाइप से उनको क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है हर एक प्रिंट्स को अपने डाटाबेस में. और जो कंप्यूटर सर्च अल्गोरिदम्स है वो क्या करती है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब कि सर्च प्रिंट और फाइल प्रिंट्स के बीच में एक डिग्री ऑफ कोरिलेशन ढूंढती है. और किस किस बेस पे ढूंढती है, मनुष्यास की लोकेशन के बेस पर और मनुष्यास की रिलेशनशिप के बीच में. फाइल प्रिंट और बोथ फाइल प्रिंट्स एंड सर्च प्रिंट्स के बीच में जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखते हैं उन फिंगरप्रिंट्स की एक लिस्ट बना देती है. और उसके बाद ये जो लिस्ट है और सर्च प्रिंट्स जो है उन दोनों को अच्छे से कंपेयर किया जाता है बाय अ ट्रेन फिंगरप्रिंट एग्जामिनर. तो इस
तरह से जो फाइनल डिसीजन है प्रिंस की आइडेंटिटी के बारे में वो एक एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, ना कि AFIS के द्वारा। जो AFIS है सिर्फ हमें एक लिस्ट बना के दे देती है उन प्रिंस की जिसका उस सर्च प्रिंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन, अच्छा रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो केवल एक ट्रेंड एग्जामिनर के द्वारा ही लिया जाता है। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं AFIS का। स्कैनर की हेल्प से क्या करता है, इमेज एक्विजिशन सेंसर्स। इमेज एक्विजिशन क्या करते हैं, स्कैनर की हेल्प से इमेज को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, डाटा कंप्राइजिंग यूनिट एंड डाटा डिकम्प्राइजिंग यूनिट होती हैं, जिसके बेस पर फीचर्स को क्या किया जाता है, उनको डिजिटली एनकोड कर देते हैं। डिजिटली एनकोड के बाद उस पर डाटा कंप्राइजिंग यूनिट काम करती है एंड देन काम करती है डाटा डिकम्प्राइजिंग यूनिट। और उसके बाद क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन अल्गोरिदम काम करती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब कि जो लोकेशन एंड ओरिएंटेशन के बेस पर जो जो फीचर्स उनमें मैच कर रहे होते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। कहाँ से, सर्च प्रिंट से। और एंड देन फाइल प्रिंट्स के साथ उनको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। और मैच में क्या करते हैं, सिमिलैरिटी स्कोर जनरेट किया जाता है कि जो फाइल प्रिंट है एंड सर्च प्रिंट है उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, उनके बेस पर एक लिस्ट प्रोड्यूस कर दी जाती है जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकर। उसके बेस पर क्या हो जाती है, मैच मतलब सिमिलैरिटी स्कोर के बेस पर एक लिस्ट प्रोड्यूस कर दी जाती है, और वो लिस्ट को सर्च प्रिंट्स के साथ जो है एग्जामिन किया जाता है बाय अ ट्रेंड एग्जामिनर। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द AFIS टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द स्वैग फास्ट, द स्वैग फास्ट स्टैंड फॉर साइंटिफिक स्वैग फास्ट। इट इज अ साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप ऑन फ्रिक्शन रिजेस एनालिसिस एंड टेक्नो लॉजी। जो ये स्वैग फास्ट है ये एक साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप है ऑन फ्रिक्शन रिजेस एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजी। और जो ये स्वैग फास्ट है वो वर्क करता है थ्रू ACEV प्रोसेस एट थ्री लेवल। तो व्हाट इज ACEV, ACEV ए फॉर एनालिसिस, सी फॉर कंपैरिजन, ई फॉर इवेल्युएशन, वी फॉर वेरिफिकेशन। एंड थ्री लेवल्स आर, लेवल फर्स्ट पैटर्न रिकॉग्निशंस, सेकेंड रिच करेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड इज फोरोस्कोपी एंड रिजियोस्कोपी। तो जो ये थ्री लेवल्स है उसमें लेवल फर्स्ट पे क्या होता है कि हम पैटर्न्स के बेस पर फिंगरप्रिंट को क्या करते हैं, मैच और डिसमैच करते हैं। अगर वो पैटर्न मैच कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, रिच करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको मैच करेंगे। और बेसिकली हमारी प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि जो मनुष्यास की रिलेटिव लोकेशन एंड पोजीशन और जो ओरिएंटेशंस होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो और जब हमारा प्रिंस यहाँ भी मैच कर जाता है 100% या फिर उससे थोड़ा बहुत कम, तो उसके बाद हम जाते हैं पोरोस्कोपी या रिजोस्कोपी। जो ये पोरोस्कोपी है इसके बारे में बताया एडमंड लुकार्ड ने, एंड जो रिजोस्कोपी है इसके बारे में बताया सलील के चटर्जी ने। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं आगे ACEV और जान लेते हैं ACEV प्रोसेस के बारे में, ए फॉर एनालिसिस। तो अब हम ये जानेंगे कि जो एनालिसिस फेज है उसमें होता क्या है। ये एक फर्स्ट स्टेप है, तो दिस फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू आइडेंटिफाई एनी डिस्टॉर्शन एसोसिएटेड विद द फ्रिक्शन रिजेस एज वेल एज एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सरफेस और डिपोजिशन फैक्टर और प्रोसेसिंग टेक्निक्स दैट मे इम्पिंच ऑन द प्रिंट्स अपियरेंस। तो जी फर्स्ट स्टेप्स जो होता है उसमें क्या होता है, एग्जामिनर्स के द्वारा क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, एनी डिस्टॉर्शन रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू आइडेंटिफाई एनी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जो कि एसोसिएट होता है विद द फ्रिक्शन रिजेस के साथ, मतलब कि फ्रिक्शन रिजेस के साथ कोई भी डिस्टॉर्शन है तो कि उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। एज वेल एज एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, और साथ के साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि सरफेस हो गया, डिपोजिशन फैक्टर हो गया, प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गई, जो सारी की सारी इम्पिंज करती है प्रिंट्स अपियरेंस के साथ, उन सबको क्या किया जाता है, एग्जामिनर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है एनालिसिस फेज में। सेकेंड फेज आता है कंपेरिजन। जब हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं और उसमें एनी डिस्टॉर्शन वगैरह जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, कंपेरिजन फेज पर आते हैं। और जो ये कंपेरिजन फेज है उसमें क्या करते हैं, दिस स्टेप रिक्वायर्स द एग्जामिनर
टू कंपेयर द क्वेश्चन्ड प्रिंट्स टू द नोन प्रिंट्स एट थ्री लेवल। और इस कंपैरिजन फेज में हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन प्रिंट्स हैं उसको उनको हम क्या करते हैं नोन प्रिंट्स के साथ कंपेयर करते हैं और किस और थ्री लेवल पर करते हैं। सबसे पहली लेवल में हम क्या करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं। अगर पैटर्न सेम है तो हम क्या करते हैं रिच करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको कंपेयर करते हैं, और अगर ये भी हमारे मैच हो जाते हैं तो हम जाते हैं पोरोस्कोपी एंड रिजियोस्कोपी पर, और यहाँ से हम उनको क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं कि वो मैच कर रहे हैं या डिसमैच कर रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग द कंपैरिजन फेज द एग्जामिनर कंपेयर्स द लेटेंट प्रिंट्स साइड बाय साइड विद एन एग्जाम्पलर प्रिंट्स टू इट्स टोटेलिटी। और जो कंपैरिजन फेज है इसमें क्या किया जाता है, जो ये लेटेंट प्रिंट्स हैं उनको साइड बाय साइड एग्जामिन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है विद एग्जाम्पलर्स के साथ। नेक्स्ट आता है अपना इवेल्युएशन प्रोसेस। जो ये इवेल्युएशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स वन ऑफ थ्री डिसीजन टू बी अराइव्ड एट, और इसमें थ्री डिसीजन के बेस पर क्या किया जाता है अपना फाइनल डिसीजन बनाया जाता है। द डिसीजन दैट कैन बी रिपोर्टेड, और जो हमारे ये डिसीजनस हैं वो थ्री टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड आता है एक्सक्लूजन, एंड थर्ड आता है इनकनक्लूसिव। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई हम कब कहेंगे कि जो हमारे प्रिंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, किस केस में कहेंगे, लेटेंट प्रिंट्स एंड एग्जाम्पलर्स केम फ्रॉम द सेम सोर्स। जब लेटेंट प्रिंट्स एंड एग्जाम्पलर प्रिंट्स सेम सोर्स से होंगे मतलब कि मैच करेंगे तब हम उनको कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। एक्सक्लूजन, किस केस में हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे, जब लेटेंट प्रिंट्स एंड एग्जाम्पलर नॉट कम फ्रॉम द सेम सोर्स। जब लेटेंट प्रिंट्स और एग्जाम्पलर हमारे सेम सोर्स से नहीं होंगे मतलब कि डिफरेंट होंगे तब हम डिसीजन बनाएंगे एक्सक्लूजन का। नंबर थर्ड आता है इनकनक्लूसिव। इनकनक्लूसिव मतलब कि ना तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना ही उनको एक्सक्लूड कर पा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अनकनक्लूसिव। मतलब कि वन कैन नॉट डिटरमाइन दैट द लेटेंट प्रिंट एंड एग्जाम्पलर केम फ्रॉम सेम सोर्स और नॉट, कि जो एग्जामिनर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो ये हमारे क्वेश्चन प्रिंट्स हैं और नॉन प्रिंट्स हैं वो सेम सोर्स से हैं या फिर डिफरेंट सोर्स से। ठीक है, तो इवेल्यूशन फेज में क्या करते हैं हम थ्री डिसीजंस लेते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, एक्सक्लूजन एंड इनकनक्लूसिव। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जो नॉन प्रिंट्स हैं और क्वेश्चन प्रिंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं। एक्सक्लूजन, जो हमारे क्वेश्चन प्रिंट्स हैं और नॉन प्रिंट्स हैं वो हमारे डिसमैच कर रहे हैं, देन हमारा जो डिसीजन होगा वो होगा एक्सक्लूजन। और इनकनक्लूसिव कब होगा, जब हम कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ना तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना ही उनको डिसमैच कर पा रहे हैं, तो इस बेस में हमारा बनेगा इनकनक्लूसिव, क्योंकि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि वो हमारे जो दोनों प्रिंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर मैच नहीं कर रहे हैं इस बेस पर। एंड लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन। द फाइनल स्टेप्स इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनर रिजल्ट्स। और जो ये फाइनल प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं एग्जामिनर के रिजल्ट को। इट रिक्वायर्स द एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन प्रिंट्स एंड नॉन प्रिंट्स बाय अ सेकंड एग्जामिनर। और इसमें क्या करते हैं कि एक सेकंड एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन प्रिंट्स को एंड नॉन प्रिंट्स को इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है एग्जामिन किया जाता है। अल्टीमेटली अ कॉन्सेंसस बिटवीन द टू एग्जामिनर्स मस्ट बी अराइव्ड एट बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज ड्रॉन। और जो अब हम फाइनल डिसीजन बनाते हैं तो उससे पहले ये दो एग्जामिनर्स हैं इनके द्वारा उनको अच्छे से क्या कर लिया जाना चाहिए एग्जामिन कर लेना चाहिए, और उन दोनों के रिजल्ट के बेस पर ही जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है ड्रॉन होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि AFIS होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, किस इसकी लेवल्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें, और हमसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू।